बजरंग और विनेश को एशियन गेम्स में सीधे एंट्री पर बवाल, बाकी पहलवानों ने कहा हम क्यों नहीं, मैनेजमेंट हुआ खामोश, जवाब कौन देगा। एशियन गेम्स की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स का आयोजन होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसकी घोषणा की है। सभी खेलों के खिलाड़ी एशियन गेम्स को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन पहलवानों के बीच एशियन गेम्स को लेकर तकरार पैदा हो गई है। दरअसल पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम में खेलने के लिए सीधे एंट्री मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एड हॉक कमेटी ने छूट दी है, उसके बाद दोनों पहलवान बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में खेल सकते हैं। इसके बाद दूसरे पहलवानों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सवाल खड़े किए हैं। दूसरे पहलवानों का कहना है कि पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे जबकि वे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमेटी के फैसले का विरोध करते हुए पहलवानों ने ट्रायल की मांग की है। पहलवान विशाल कालीरमन का कहना है कि मैं अंडर 65 केजी कैटेगरी में खेल रहा हूं और एशियन गेम्स के लिए बजरंग पूनिया को ट्रायल के बिना ही डायरेक्ट एंट्री दे दी गई है। ये लोग लगभग एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इनके भी ट्रायल की मांग करते हैं। हम कोई फेवर या लाभ नहीं चाहते, लेकिन कम से कम ट्रायल तो कराया जाना चाहिए। बता दें कि अन्य पहलवानों ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का ट्रायल ना होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। अन्य पहलवान लगातार कमेटी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कमेटी अपना फैसला बदलती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेनेट टाइम्स।